हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बिग बॉस सीजन 16 शुरू हुए एक हफ्ता हो चुका है और एक हफ्ते के अंदर ही घर में हो चुके हैं कई सारे घमासान। अब इसी बीच हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार इस घर में मौजूद सितारे कितनी फीस लेते हैं। जैसे कि हम आपको सबसे पहले ये बता चुके हैं कि आखिरकार कौन है इस सीजन का सबसे महंगा कंटेस्टेंट, और वो नाम कोई और नहीं बल्कि है सुंबुल तौकीर का। लेकिन अब हम इस वीडियो के जरिए आपको बताने वाले हैं आखिर उस खिलाड़ी के बारे में जो सबसे सस्ता खिलाड़ी है इस साल का, और कौन सा वो शख्स है जो इस शो में आने के लिए सबसे कम फीस ले रहा है। सबसे पहले हम आपको ये भी बता देते हैं कि सुंबुल तौकीर के बाद अंकित गुप्ता का नाम आता है। अंकित गुप्ता को इस शो में एक हफ्ते के लिए 5 से 6 लाख रुपए मिल रहे हैं। वही टीना दत्ता की अगर मैं बात करूं तो टीना दत्ता इस शो के लिए एक हफ्ते में रहने के लिए कम से कम 9 से 10 लाख रुपए चार्ज करती हैं, जबकि साजिद खान 7 से 8 लाख रुपए वसूलते हैं। वही अगर सबसे सस्ते खिलाड़ी की बात करें यानी कि कम फीस लेने वाले खिलाड़ी की, तो वो नाम कोई और नहीं बल्कि है भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी पहचानी एक्ट्रेस सौंदर्या शर्मा का। सौंदर्या शर्मा इस शो में जलवे बिखेरती नजर आती हैं। काफी ज्यादा वो अपने हुस्न के जलवे फ्लॉन्ट करती रहती हैं, और अब ऐसे में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार वेब सीरीज में और फिल्मों में काम कर चुकी सौंदर्या शर्मा इस शो के लिए कितने पैसे वसूल कर रही हैं। दरअसल जो रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है उनके मुताबिक सौंदर्या शर्मा को बिग बॉस सीजन 16 में एक हफ्ते के लिए कम से कम 3 से 4 लाख रुपए मिल रहे हैं, जो कि वाकई में उनके लिए काफी बड़ा अमाउंट है। एज यू नो, सौंदर्या शर्मा भोजपुरी कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं, उन्हें आपने कई वेब सीरीज में भी देखा होगा और वो कई एड्स में भी नजर आती हैं, और अब वो बिग बॉस सीजन 16 में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए आई हैं। ऐसे में देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा क्या सौंदर्या इस शो के जरिए अपना जादू बिखेर पाएंगी। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही।